नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में आई जागरूकता, स्वप्रेरणा से दे रहे कोरोना संक्रमण पर संदेश, निजी आयोजनों में मास्क वितरण कर ला रहे जागरूकता, शादी विवाह सहित रसोई आयोजन में दे रहे समझाइश। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग भी कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं। जहां आमजन द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता संदेश भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए जा रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों से कोरोना जागरूकता संदेश देने से लोगों में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। सिडनी मालवा के झकलाए नाके के पास रहने वाले राठौर परिवार में माताजी की मृत्यु के उपरांत होने वाले 13वीं कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया, जहां कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को मास्क वितरित करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर समझाइश दी गई। साथ ही एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को कपड़े सहित जीवन उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में किस तरीके से मास्क दिए गए और जो देश में जो कोरोना बीमारी चल रही है उसके जो बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो सभी लोगों को जागरूक करने के लिए और जो कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम उनमें जो भीड़ इकट्ठी होती है, उनमें जो परेशानियां आती है, उसके संदर्भ को देखते हुए हम लोगों ने मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा था जो हमारे माता जी शांत होने के उसमें हमने वितरण किए हैं। साथ ही साथ सिवनी मालवा के ग्राम बनाड़ा में रहने वाले पटेल परिवार ने भी शादी का आयोजन आंवलीघाट में किया था, जिसमें आयोजक अशोक पटेल द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम रखा गया, जहां अतिथियों को कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित किया गया। इन दोनों मामलों से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता का माहौल नजर आ रहा है। आम लोगों में जागरूकता के चलते ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में प्रशासन को मदद मिल सकती है। प्रशासन के साथ ही आम लोगों द्वारा जागरूकता के प्रयास के चलते ही कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सकता है। लोगों के इन प्रयासों की सराहना आला अधिकारी भी कर रहे हैं, जहां खुद एसडीएम भी लोगों के ऐसे प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता में दो कार्यक्रम बिल्कुल ये बहुत अच्छी सामाजिक एक सार्थक पहल है। उसके तहत आप लोगों से ही और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि लोगों द्वारा जो अपने कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें भी मास्कों का वितरण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अनूठी और अच्छी पहल है ताकि जो लोग मास्क लगा के नहीं आए हैं वो मास्क लगाएं और दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। और सामान्यता क्या होता है कि हम सामाजिक कार्यक्रमों में कोई गिफ्ट देते हैं, कुछ बर्तन देते हैं, पर ये एक नई चीज़ है कि मास्क दे रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को ये पता रहे कि मास्क लगाना अनिवार्य है, इससे वो स्वयं और दूसरों को बीमारी से बचा सकता है। निश्चित रूप से इस पहल को मैं एक बहुत अच्छा संदेश समाज के लिए मानता हूँ। आज राष्ट्रीय कार्यक्रम में किस तरीके का आज भाई साहब हमारे भारतीय किसान संघ के नगर के जो अध्यक्ष महोदय हैं राकेश जी राठौर, जिनकी माता राम जो शांत हो गई थी, जो पंक्ति का कार्यक्रम रखा गया, रसोई का कार्यक्रम रखा गया, उसमें सभी को मास्क वितरण किया गया। तत्पश्चात एक जो बहुत गरीब और निर्बल टाइप का जो एक लड़का था जिसकी माँ शांत हो गई, जिसका कोई भी नहीं आगे पीछे असहाय है, जिसको नगर पालिका ने भी पिछली बार बहुत मदद की थी, उसको भाई साहब की ओर से कपड़े भेंट किए गए। ठंडी तो के लिए एक कंबल भेंट किए गए, पैर में चप्पल पहनाई गई, पानी पीने के लिए गिलास वगैरह भेंट करके भाई साहब ने अपनी माता राम की याद के लिए उनके अपने पुण्य कैसे हो उज्जवल हो उसी संदर्भ में बहुत से लोगों को दान किया है। और ये आपके सामने दिख रहा है जो मास्क वितरण हुआ और उस गरीब को दान दिया गया।